नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आम लोगों के विचार जानने के लिए उनके बीच पहुँचे हैं, बाबा राम रहीम जी और डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या बाबा राम रहीम जी क्या वाकई में एक सच्चे समाज सुधारक हैं? क्या वाकई में उन्होंने समाज को सुधारा है? जानते हैं उनके विचार। सर, आपका नाम? मुझे रविंद्र तोमर कह देते हैं। सर, आप क्या काम क्या करते हो? मैं गजरौला में RACL के अटैक में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ पिलखुआ ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। पिलखुआ में मेरा रेजिडेंस है और मैं लगभग 20 साल से इस डेरे से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी फुल फैमिली इस डेरे से जुड़ी हुई है। सर, आप हमें ये बताइए कि जब से आप बाबा राम रहीम जी से जुड़े हो, उनसे जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? हमारी ज़िंदगी एक नर्क थी, दारू पीना, उल्टे सीधे काम करना, लेकिन जब से डेरे से जुड़ रहे हैं हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई है। हमने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए हैं और मतलब गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की दुआओं से, गुरुजी का आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार एक सुखमय जीवन बिता रहा है। और यहाँ तक कि और लोग भी हमें देख देख के नुक भाई तुम तो संत बन गए, भैया संत के शरण में रहेंगे तो संत ही बनेंगे हम। यानी कि हमने दारू छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सारे ऐप छोड़े, इस चीज़ के हमसे लोग खिलाफ हैं। खिलाफ रहे जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने मालिक से विश्वास है, मालिक पर पूरा विश्वास है। बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ किया है? बाबा जी ने देश के लिए इतने 133-134 भलाई कार्य किए हैं, क्या कम है? और इससे ज़्यादा और आप क्या पूछेंगे बताइए। यानी इतने मतलब भलाई देश के लिए करी है, अब यानी यहाँ से लेकर बॉम्बे तक, हरिद्वार, पंचकूला, पता नहीं कहाँ कहाँ, यानी हमने सफाई अभियान में हम गए हैं और लोगों की गंदगियाँ उठाई हैं, क्या यानी कि गलत है बताइए? आज तो हमारा देश यानी कि कह रहे हैं सफाई करो सफाई करो, हमारे पिताजी ने अब से 10 साल पहले से मतलब सफाई अभियान चालू कर रखा है। इस समय उनकी ज़रूरत क्यों है समाज को? समाज की ज़रूरत तो इसलिए है कि भाई जितने बुरे कर्म हो रहे हैं, अब क्या है कि जितना यानी कि ये माफिया, ड्रग्स माफिया है, सब पिताजी के खिलाफ है। और समाज जो आज का जो युवा वर्ग है उसको सख्त ज़रूरत है पिताजी के दिशा निर्देश की, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चा पैदा होता नहीं, नशे में मतलब लीन हो जाता है और पिताजी की रहमत से यानी कि वो सब छोड़ देते हैं। किस तरह से डेरा सच्चा सौदा, बाबा राम रहीम जी नशे, लोगों का नशा छुड़वाते हैं? भाई ये तो उनकी मतलब आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से ही मतलब नशा छोड़ देते हैं लोग।